हजार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। दीदम ने ऑफिस से जो कॉन्सेप्ट चोरी किया था वो इसलिए हमारे कॉम्पिटिटर को दे दिया गया कि भाई को नुकसान उठाना पड़े। अरे दुरुगछन, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी दोस्त के साथ मसला क्या है? बस वो उसने मजबूरी में एक झूठ बोल दिया है और अब वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रही। इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ जो है एक अंधा कुआं है, खा जाता है जिंदगी की हर खुशी को। शार्लक, शार्लक कैसे हो, यहाँ आओ। अरे कैसे हो पार्टनर, क्या हो रहा है घर में? सब खैरियत? बाल बच्चे राजी? मुझसे बहुत मानूस हो गया है। जानवर तो हमसे ज्यादा समझते हैं प्यार की जुबान। समझ नहीं आ रहा इनके बीच रिलेशन है या नहीं। खाना खा चुका था क्या तू पहले ही? क्या तुझे भूख नहीं है? भूख लग रही है दादी जान, बहुत ज्यादा, मगर दिल नहीं चाह रहा बस। चाहेगा बेटा, चाहेगा। घर में सब कैसे हैं? तेरे मामा को कुछ नहीं बताया। और अम्मी? कैसी होगी, अपना ही बोया काट रही है। मकाफाते अमल बहुत अजियतनाक होता है बेटा, इंसान को तोड़ कर रख देता है। और तो कोई खास बात नहीं हुई ना? क्या होगा और, एक माँ के साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? दुरुग दो भाइयों में दरार डालने चली थी, अपना सगा बेटा ही खो बैठी है। मुराद और मैं अकेले थे, मगर मुझसे कहा ही नहीं गया। चांस मिस कर दिया तुमने। हाँ क्या करूं, बस देखो बताना तो है, आज नहीं तो कल। तो जो कल बताना है आज ही बता दे इंसान। बिल्कुल सही कह रही है, बता देना चाहिए था, ऐसी क्या हेजिटेशन? या कोई मसला है इसे? शार्लुक भी शायद हमें कुछ बताना चाह रहा है, देखो। बोर हो रहा है, वॉक पर जाना है इसे। अच्छा तो बोर हो रहे हो तुम, वॉक पर जाना है, घूमना फिरना है। अरे असली को बोलना था ना, वो तुम्हें वॉक पर ले जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शार्लुक को भी कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल ले जा सकती हो। असली रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ, इसे लेकर कहीं तुम दूर ना निकल जाओ। रात काफी हो गई है ना, मैं भी साथ जाती हूँ। चलो आ जाओ, कम ऑन। ना मत सोचो यार, जो होगा देखा जाएगा। जाहिर अब तो बताना ही है, लेकिन क्या कुछ बताऊं समझ नहीं आ रहा। कहां से शुरू करूं, क्या बताऊं, क्या छोड़ दूं। खौफजदा हूं मैं इब्राहिम, बहुत डर लग रहा है। खौफजदा इसलिए हो कि पता नहीं क्या रिएक्शन हो उसका ये सब सुनकर। तुम खौफजदा हो सिर्फ बेयकीनी से। चलो मुझे मुराद समझ लो और ट्राई करो, कैसे कहोगे? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, यानी मुझे अंदाजा है वो जो कुछ भी कहेगा जैसा भी बिहेव करेगा। चलो हिम्मत करो और कह दो सब। यूं समझो मुराद है इस वक्त तुम्हारे सामने, देख लेना फायदा होगा इसका। तुम रिलैक्स तो फील करोगी कम से कम। चलो Thank you.
सारा झूठ बोला है। मैं कोई और हूँ, सोना प्रैक्टिस नहीं। बहुत खामोश हो तुम, कोई परेशानी है क्या? हाँ, लेकिन आपसे या ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही। तो किसी को छोड़ने का दुख हो रहा है क्या? अगर आप इब्राहिम की बात कर रहे हैं तो उससे मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। उसे इनवाइट भी किया मगर उसने माजरत कर ली। खासा तेज आदमी है वो। नहीं, जुबानी दावत दी थी अभी तो। यही तो होशियारी है उसकी, जानता था कि इन्विटेशन नहीं मिलेगा तो इसलिए मना कर दिया उसने। ये सब एक गेम था, आपको बता तो चुकी हूँ, तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन ये तो तुम कह रही हो ना, इब्राहिम की क्या फीलिंग्स हैं ये तो कोई और नहीं जानता ना। असली डियर, ये फ्रंट सीट पर जो कपल बैठा है कितना स्वीट है ना। मैं भी यही कहने वाली थी, दोनों में बहुत ही प्यारे, माशाल्लाह किसी की नजर ना लगे। मगर कुछ ज्यादा ही स्वीट हैं दोनों, बाज़ औकात लड़ भी लेना चाहिए। लड़ाई से मोहब्बत बढ़ती है, रेगुलर लड़ाई होती रहना चाहिए और फिर सोशल मीडिया पर भी आ जानी चाहिए ताकि और चाहने वाले भी दोनों को अपने अपने हिसाब से भड़काते रहें और अपने नए नए फोटोज भी डालते रहें। बेकार है, हम अपने अपने हिसाब से बहुत सारी फोटोज डाल चुके हैं, इतना बड़ा फोटोज का बंच है। जबरदस्त जवाब दिया है तुमने आईपिक, रुक तसल्ली हो गई। अच्छा एक चीज और, देखो करीम, आईपिक को गाड़ी में तो घुमाना फिराना नहीं, ऐसे मोहब्बत क्या खाक पड़ेगी? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना करीम भाई? तो कैसे घुमाओ फिराऊं, कोई मालिक थोड़ी हूँ मैं इस गाड़ी का। मालिक नहीं है, मालिक क्या यार, मुराद मना करेगा अगर ये पूछे। लो शुरू हो गई लड़ाई यार। हद है, किस कदर बुरे हो ना तुम दुरुक, कितने मजे से दोनों में फूट डलवा दी और अब खुश हो रहे हो तुम। बात ये है कि आई लव यू से आगे ना बढ़ने वाले जो कपल होते हैं उनकी मोहब्बत का फूल मुश्किलात में पड़ते ही खिल जाता है और कुछ भी फेस नहीं कर सकते, यानी तभी उनकी मोहब्बत नहीं चल पाती है ना। अब खुद डिसाइड कर लो, अपनी मोहब्बत को लड़कर मजबूत बनाना चाहते हैं या नहीं। वाकई मैं तो चट्टान जैसी मजबूत बनाना चाहता हूँ, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती ये तो सुना ही होगा द्रुक तुमने। बहुत कच्चे कानों के हो तुम करी, मुझे अंदाजा नहीं था बिल्कुल। तुम्हारी तो वही मिसाल है कौवे और कान वाली। किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़े, अपने कान पे गौर नहीं किया करी। बहुत दुख हो रहा है मुझे। यही चीज होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है, दुख वही होता है जहाँ प्यार हो। चुप हो जाओ करी। हेलो दीदा मैडम। हाँ चला डियर। माय डार्लिंग कैसी हो चंदा? माय डार्लिंग जी ठीक हूँ दीदा मैडम, आप कैसी हैं? बिल्कुल A1 एकदम। अच्छा एक बात पूछनी है तुमसे, वो जो नया लड़का है इब्राहिम नाम है शायद उसका, जानती हो ना? बिल्कुल जानती हूँ। उसका टेलीफोन नंबर होगा तुम्हारे पास क्या? क्यों नहीं, कंपनी के हर बंदे के नंबर मौजूद है मेरे फोन में। अच्छा तो लिखवाओ फटाफट। बिल्कुल एक मिनट। हाँ 4275 ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा चाला। वैसे कोई खास बात नहीं थी, बस काम के लिए ही कुछ पूछना था। थैंक यू चाला, बाय। तो ठीक है, देखते हैं हयात और मुराद के रिलेशन के बारे में कितना जानते हो इब्राहिम साहब। वाह हयात, दुरुक, करीम, अपनी अपनी आईडीज दो मुझे। या अल्लाह, ये तो आईडीज मांग रहे हैं, अब क्या होगा? जल्दी बताओ, अब क्या करूंगी मैं? ये तो बिल्कुल जहन में ही नहीं आया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। कुछ करना होगा जल्दी हमें। रिलैक्स, कुछ करती हूँ मैं, परेशान मत हो, नो प्रॉब्लम। हाय मुराद, हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, इतना लंबा सफर था, अब हम में हिम्मत नहीं, एक एक करके एंट्री करवाएं। ऐसा करो मेरी आईडी ले लो, ये रही, बाकी बाद में दे देंगे। ओके
लाओ आईडी। ओके लो भाई, चार रूम्स मिले हैं, इन्हीं में एडजस्ट करना है। तो अब मसला ये है कि मैं और एपेक शादी से पहले एक रूम में हम दोनों बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये मेरी होने वाली वाइफ है, लेकिन चाहो तो हम रह भी सकते हैं। एक बेड पर तुम सो जाना, मैं जमीन। कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक फैसला है, शाबाश। हाँ तो फिर मैं और असली साथ रह लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब मैं और तुम एक कमरे में। नहीं सीरियस नहीं हो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना थोड़ा, है ना? तो मैं और हयात साथ होंगे। हर किस नहीं मुराद सर, यानी तुम भी लड़कियों के साथ रहोगे, यही कहना चाह रही हो ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। यार भाई मत करें यार। चलो कोई बात नहीं, गुजारा करते हैं, क्योंकि लड़कियां रूम शेयर नहीं करना चाहती। ये लो। यार भाई इसके साथ अजीब अजीब आवाजों में खराटे लेता है ये तो, इसके साथ कैसे सोऊंगा, सुबह तक जागता रहूंगा। कुछ ख्याल करो ध्रुव, लड़कियां सुन रही हैं। अच्छा देखो मैं तो थका हुआ हूँ, सही है करी, सामान उठाया यहाँ तक आया और तुम्हारे होते हुए। चलो जल्दी करो जल्दी करो, बाकी बातें कमरे में जाके कर लेना। ओके सुनो, मैं खराटे नहीं लेता, कसम से आज तक नहीं लिए मैंने। बताओ दुरुक तुम, तुम्हें क्या लगता है? यार तुम तो खुद लेती हो खराटे। मैं कब लेती हूँ, वो हयात की आवाज़ होती है और तुम समझती हो कि मैं हूँ। आई थिंक मुराद जरूर लेते होंगे, मैं शर्त लगा सकती हूँ इस बात पे, तभी तो अलग रूम लिया है। चलो दिलकश ख्वाबों की सरजमीन पर यह शहजादी आप सबको सलाम पेश करती। मैं भी ये सोच रहा था कि टूवल कहाँ रह गई, पहुँच भी गई, सबसे बेहतरीन रूम हथियार लिया। हाँ हाँ टूवल ऐसी ही है मुराद दिया, बेहतरीन खाने, शानदार कपड़े, हैंडसम फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स होटल का वो कमरा जहाँ से व्यू सबसे ज्यादा हसीन हो। मैं डिजर्व करती हूँ सर, तुम में से कोई नहीं। मैं। आह टूवल वाकई क्या बात है तुम्हारी, फिक्र नहीं करो जेलिस नहीं होंगे तुमसे। चलो शाबाश ऊपर आ जाओ, अब एक लम्हा भी जाया नहीं करने दूंगी। होटल में सारी उम्र स्टे नहीं करना हमें, और चेंज करने के लिए 15 मिनट दिए। तीन औरतें और टाइम देखो कितना दिया है, सिर्फ 15 मिनट। मौजा होगा रेडी हो जाए तो। असल मौजा तो ये होगा कि आपको इस ट्रिप पर गुस्सा ना आए, अगर हम में से कोई लेट हुआ तो वो सबको आइसक्रीम खिलाएगा। चलो आ जाओ, कम ऑन। टॉम, वेयर्स माय कॉफी? उफ या अल्लाह, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। क्या हो गया, सफर से थक गई? अरे नहीं, इस जगह की वजह से। हर चीज इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन है कि बस। तो तुम्हें खूबसूरती से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये सब एक ख्वाब है। मैं जानती हूँ यार के बस अभी आँख खुलेगी और ख्वाब खत्म, और फिर जब उसे हकीकत बताऊंगी तो एक भयानक ख्वाब बन जाएगा। हो सकता है ऐसा ना भी हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। उफ, कैसे बताऊंगी यार, कितना कुछ अरेंज किया है उसने सिर्फ मेरे लिए। उफ यार, काश शुरू में ही बता दिया होता सब कुछ मैंने। अच्छा अब एक मिनट के लिए तुम खामोश होगी जरा। देखो तुमने कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन उसने बताने ही नहीं दिया, है ना? तो बस। अरे यार तुम्हारे अपने हाथ में है, कब जागती हो तुम इस ख्वाब से? चलने दो ऐसे ही जब तक चल रहा है, क्यों टेंशन ले रही हो? कितने दिन हो गए तुम मुस्कुराई तक नहीं, चेहरा देखो कैसे उदास होकर रह गया है।
शायद वो दिन आ गया है कि तुम फिर से हंसो मुस्कुराओ कह के लगाओ। ये सोचे बगैर कि तुम्हारी हकीकत खुलेगी तो क्या होगा। यार जिंदगी में एक आध दिन हेरा फेरी कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। समझो आज ही वो अनमोल दिन है, तो उदासी छोड़ो और खुश हो जाओ। सही कह रही हो, 100% सही। मेरी बर्थडे गर्ल कहाँ है? यहाँ। किसका है ये गिफ्ट? क्यों तकल्लुफ किया, आप आ गई, यही गिफ्ट है मेरा। यार मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन देखो इमोशनल मत होना क्योंकि काफी टाइम लगा कर तैयार हुई हूँ मैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मेकअप खराब हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। खोलो इसे। थैंक यू टूअल मैडम, सो नाइस ऑफ यू। अरे इट्स माय प्लेजर। मुझे अंदर से एक फीलिंग है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरा डिजाइन किया हुआ सबसे स्पेशल ड्रेस पहनो। हयात, वाओ। फरमाइए। हेलो, गुड इवनिंग, क्या आप इब्राहिम साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, कौन साहिबा बोल रही हैं? दीदम, दीदम बात कर रही हूँ मैं। दीदम, क्या हम पहले मिले हैं कहीं? दीदम साटे से, उनकी मेन मॉडल, मॉडलिंग करती हूँ उनके लिए। दीदम जी, फरमाइए। माजर चाहती हूँ इब्राहिम साहब, आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक असाइनमेंट के सिलसिले में आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। कैसा असाइनमेंट? अच्छा बताएं क्या है, कोशिश करूंगा अगर कर सका हेल्प। बोलिए। क्या हम दोनों कहीं मिल सकते हैं आज? मिलना जरूरी है क्या, यानी फोन पर नहीं बता सकती क्या असाइनमेंट है? नॉट पॉसिबल, मैं आपको मिलके ही बता सकती हूँ, फेस टू फेस, मतलब तभी एक्सप्लेन कर सकूंगी मैं, टेलीफोन पर नहीं समझा सकती। अच्छा, अब तो मुझे भी तजस्सुस हो गया। चले ओके, मिल लेते हैं कहीं, तो फिर बताएं कब। आप जब कहें, जहाँ कहें, रात को मिले, लेट नाइट मिले, इवन मिडनाइट भी मिल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, एनी टाइम। ओके ठीक है। यार उनकी बाइक डबल और हमारी सिंगल है, हमें क्यों नहीं मिली ऐसी बाइक? छोड़ो यार, तुमने मेरा दिल तो जीत लिया। क्या? ये क्या है, हमें हर हाल में जीतना चाहिए था और हम सबसे पीछे रह गए। अरे तो ऐसा क्या हो गया, गेम को गेम समझ कर एंजॉय करो बस। हम साथ हैं तो फिर कैसी हाल। पूरे साल की शॉपिंग कर रही हैं खावाती। मुझे तो अंदाजा था कि ये लोग देर लगाएंगी। अभी तो और बहुत देर लगनी है मेरे ख्याल। आज रात खत्म कर लेंगे।
यार आई लव यू कहने की जरूरत नहीं, बस मेरा हाथ थाम लो। जब मैं आई लव यू कहूंगी तभी तो पता चलेगा कि वाकई कोई प्यार है करीम। तो क्या अभी तक एक बार भी नहीं कहा तुमने? अभी नहीं कहा, अभी नहीं। जाने से पहले कुछ और ड्रेसेस खरीदूंगा तुम्हारे लिए। वो किस लिए? तुम्हारे हुस्न को सराहने के लिए। पहले जब मैंने ये बात सुनी तो झूठ लगती थी, मगर अब यकीन आ गया। कौन सी बात? कि इंसान खुद पर चाहे कितने भी खोल चढ़ा ले, एक वक्त आता है कि सारे खोल उतर जाते हैं। अच्छा, और हम दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। मैं अगर समंदर में उतरूंगा तो तुम मेरा साथ दोगी? हो भी सकता है, क्योंकि शायद जान गई हूं कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम जिंदगी को किस नजर से देखते हो? पानी के साथ मेरी जिंदगी का एडवेंचर कुछ अलग है, फिर कभी बताऊंगा डिटेल में। चलो आ जाओ। कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। भाई, आप और इतने एक्साइटेड? एक्साइटमेंट कहाँ है यार, मतलब इतना वेट कराना भी तो ठीक नहीं। ओ, लीजिए वो आगे। सैल्यूट सारे लड़कों को। यार जरा असली को तो देखो, क्या लग रही है। दुरुक, चुटकी भरना जरा। ऐसे ख्वाब से कौन जागेगा? ये तो ना खत्म होने वाला ख्वाब है। ऐसी कुछ फीलिंग्स मेरी भी हैं। उनकी जुबानी अपनी बात कहने का शुक्रिया। तो इतना तैयार हो के जा कहाँ रहे हैं? ये तो हम अभी नहीं बता सकते, सरप्राइज है। पहुंच के पता चल जाएगा।
एपिक साहिबा। कहीं तुम साथ जाने से पहले मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, जो तुमने पहले कभी ना कहा, जो शुरू होता है आई से। आई विल किल यू मिस्टर करीम। अब अगर एक बार और कहा तो तुम्हें मारूंगी, कत्ल कर दूंगी तुम्हें। उफ, बताओ यार। यही कहना था, फिर भी अच्छी लग रही हो। चलो अच्छा, बस होंठ हिला दो, मैं डबिंग कर दूंगा इस पर। करीम आई लव यू सो मच। इस तरह तो मैं मर के भी ना कहूं। तो अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए तैयार हो तुम? बहुत बेचैनी से। इब्राहिम साहब, पहचाना मुझे? मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, आपको जहमत दी मैंने। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। क्यों ना हम एक दूसरे को नाम से मुखातिब करें दीदम। ये साहब वहाँ मेरा मिजाज नहीं, बहुत फॉर्मल लगता है, यानी इजी हो जाए नाम ले सिर्फ। ये तो बहुत अच्छा है इब्राहिम। ये बात हुई ना दीदम। एक बार फिर बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। अच्छा ऐसा है कि मेरा तो शुक्रिया का पूरे साल का कोटा पूरा हो गया है, तो अब हम आ जाएं काम की बात पर। वो बिल्कुल बात कुछ संडे को एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में एज अ गेस्ट इनवाइटेड हूँ मैं, और मैंने अपने हर फ्रेंड को बता भी दिया है। मॉडलिंग की दुनिया में मेरी वापसी के हवाले से बात होगी शो में, और कुछ मेरी पर्सनल लाइफ पर भी। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, मगर मेरा क्या काम है? तुम्हारा तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है इब्राहिम। मेरी मॉडलिंग में जो वापसी हुई है वो तुम्हारी तो शानदार कैंपेन से हुई है। इस कैंपेन के बारे में भी सवालात होंगे तो मुझे इसे डीपली जानना जरूरी है, जिसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वाकई ठीक है। तो ये चक्कर है, ये बताओ तुम्हारे जहन में किस तरह के सवालात हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे सकूं। बोलो दीदम, सुन रहा हूं मैं। तुम कैसे एडवर्टाइजिंग में? यार लफ्जों में कहा, यार लफ्जों में कहा। चलो रुक जाओ बस। एक आइडिया आया है मुझे जो इतना शानदार है कि सोच रही काश अपनी सालगिरह पे आया होता। कम ऑन, जुमले में हयात को डिस्क्राइब करें कि वो क्यों अच्छी लगती है। बहुत सिंपल, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके। और यही मैं भी कहूंगा। हाँ, और हयात एक खुश मिजाज लड़की है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं थोड़ा और भी कुछ कहूंगी, थोड़ी सी अलग बात है। वी लव यू, क्योंकि तुम्हारे रूप में मुझे और असली को एक बहन मिल गई। मेरी फीलिंग्स और भी हटकर हैं। असली ने और तुमने मेरे लिए इस खूबसूरत ख्वाब जैसे रिलेशन को एक हकीकत बनाया, वरना ये कभी मुमकिन ना होता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, रहम दिल हो और कीमती भी हो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं, तुम सब लोग खुद बहुत अच्छे हो। तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अभी मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तुम तो मेरी भोली गुड़िया हो। वो क्यों? क्योंकि तुम गुड़िया जैसी क्यूट भी हो
और प्यारे प्यारे बच्चों जैसी होली भी हो। वाह क्या बात है नवल। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे मेरे लिए? ऐसी खूबसूरत सीधी सादी सादा दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हयात के लिए। हयात के नाम। इब्राहिम डियर, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, सब सवाल क्लियर हो गए, हर चीज बिल्कुल वाज़े हो गई। अब मेरे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। बहुत शुक्रिया। तो यानी अब हम असल मसले की तरफ आ सकते हैं दीदम? समझी नहीं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर बात करने के लिए मिलना था तुम्हें। या ब्रावो, छा गए हो तुम लड़के, बहुत ज़हीन हो। Of course. कुछ और बात करनी है तुमसे। You are right. इन दिनों मैं एक उलझन में हूँ। हयात तुम्हारे साथ रिलेशन में है या फिर मुराद के साथ? क्योंकि गाड़ी में वो तुम्हारी पाई जाती है और बर्थडे सेलिब्रेट करती है मुराद के साथ। क्या चक्कर है ये? लेकिन तुम इस बात की खोज में क्यों हो? देखो, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं कि मुराद के हाथों बहुत दुख उठाए हैं मैंने। मुराद ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। पता नहीं क्या क्या वाहियात इल्जाम लगाए मुझ पर। बर्बाद कर दिया, करियर खत्म कर दिया, साटे से भी फायर कर दिया। उसने हर जगह ना जाने कितने बार लोगों के सामने बहुत इंसल्ट की मेरी। मुराद? मुराद ने किया सब कुछ तुम्हारे साथ? ओके, दीदम वो एक असूल पसंद और सख्त गिर इंसान जरूर है, मगर मैं नहीं समझता कि जानबूझकर किसी पर ऐसे जुल्म कर सकता है। और किस लिए करेगा वो ये सब? क्योंकि उसे चाहती हूँ मैं। मगर मुराद बेहिस है, पहले लड़की के करीब आता है, फिर किसी तरह उसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। यहाँ तक कि वो एक कनीज बन के रह जाती है उसकी। प्यार की भीख के लिए उसके आगे पीछे फिरती है और वो लड़की फिर कहीं जा ही नहीं सकती। मैं क्या बताऊँ, मुराद के साथ ताल्लुक में बहुत अनहोनी बातें सही है मैंने। इब्राहिम, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत तड़पी हूँ मैं। तुम्हें चाहिए बस अब निकलो इस दलदल से। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस रास्ते को, जियो अपनी जिंदगी। इतना आसान नहीं होता। मैं मुराद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो हयात के साथ घूम रहा था, और उसे एहसास तक नहीं कि मेरे साथ हयात के लिए भी गलत है ये सब। हाँ, तो मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। हयात भी ये सब दुख उठाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। वो क्यों दुख उठाएगी? देखो, हर ताल्लुक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर किसी को एक शख्स की वजह से दुख मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कोई और भी वैसे ही दुख उठाए। मगर बात मुराद की हो तो ये उसूल हमेशा रहेगा, लड़की को दुख ही मिलेंगे। मुराद को सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है, किसी और से प्यार ही नहीं करता। देख लेना, हयात भी रोएगी एक दिन। मैं जब तक जिंदा हूँ कोई भी शख्स हयात को रोने पर मजबूर नहीं कर सकता कभी। तुम परेशान ना हो। खूबसूरत है। ओह, ये तो मेरा फेवरेट है। ये तुम्हारे? ये देखो। अरे मुराद डियर, तुम गिफ्ट नहीं दोगे हयात को?
दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हयात को कुछ देर के लिए यहां से ले जाना होगा। मेरे साथ चलोगी ना बर्थडे गर्ल? चलूंगी। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है ये! किसकी शादी के लिए बनवाया है आपने? तुम्हारे लिए बनवाया है। समझी नहीं, मेरे लिए मतलब लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत दिलकश है। तुम पागल हो क्या? हाँ, और तुमने किया मुझे पागल। आ जाओ। मेरा ख्याल है बचपन के बाद आज इतनी पुरसकून नींद सो रहे हैं। यार गौर से सुनो, मुराद खराटे ले रहा है। रात भर बातें की होंगी तो थक गए होंगे ना। तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। हयात, तुम्हें साथ लिए बगैर हम यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलने वाले हैं। खुद से आने दो उस वक्त को जब मेरे भी दिल में मोहब्बत जागेगी। वो दिन आने दो जब तुम मेरा दिल जीत लोगे, फिर आई लव यू दिल से कहूँगी। मेरे साथ या तो मेरी गर्लफ्रेंड होती है या ओनली फ्रेंड, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, तो बेहतर है अभी से बात क्लियर हो जाए।